छत्तीसगढ़ में आर्टिकल 370 फिल्म टैक्स फ्री रहेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आर्टिकल 370 फिल्म देखी और फिर उन्होंने कहा कि मैं फिल्म को टैक्स फ्री करने की घोषणा करता हूं। यह बात कही है सीएम साय ने। इससे पहले मध्य प्रदेश में भी आर्टिकल 370 को टैक्स फ्री कर दिया गया है। इतना ही नहीं, डॉक्टर मोहन यादव ने अपील भी की कि उन्हें इस फिल्म को देखना चाहिए। अब छत्तीसगढ़ में भी आर्टिकल 370 टैक्स फ्री कर दी गई है। देखिए, सबसे पहले तो आज महाशिवरात्रि है, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, तो पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज आर्टिकल 370 पर जो पिक्चर बना है, आज हम सब लोग पूरे पार्टी के मंत्रीगण, नेतागण, कार्यकर्तागण सब एक साथ देखे हैं और बहुत अच्छी पिक्चर बनी है। और जो लोग बोलते थे कि कश्मीर से धारा 370 हटेगा ही नहीं और भारी खून खराबा हो जाएगा, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी के सूझबूझ से बिना खून खराबा के शांति से आर्टिकल 370 हट गया और अब अमन चैन जम्मू कश्मीर में हो गया। अब सबको वहाँ मतलब स्वतंत्रता के साथ जीने का एक वातावरण बन गया। और मैं सबसे आग्रह करना चाहूँगा कि सभी लोग इसको देखें, इस फिल्म को, और मैं छत्तीसगढ़ में इस फिल्म को टैक्स फ्री घोषणा करता हूँ। हाँ हाँ, अब उनका काम है, लोकसभा चुनाव सामने है तो प्रत्याशी तो घोषित करेंगे ही, लेकिन पूरी की पूरी 11 सीट भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतेगी। सर, ये पार्टी का समीकरण कितना देर में बांटा गया है, कितना कारगर होगा? वो कुछ भी कर लें, चाहे भारत जोड़ो यात्रा कर लें, चाहे न्याय यात्रा कर लें, चाहे जातिगत सब कर लें, लेकिन कांग्रेस दुखती नैया है, नैया में छेद हो चुकी है, पार्टी बिखर रही है और इस बार एक भी सीट जीतने वाली नहीं है।